हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, और पर्टिकुलरली अभी जितने भी यूकेपीएससी के एग्जाम्स हैं, और आप लोगों के पास में 1 से 2 महीने या 3 महीने का जो टाइम है, उसे आप बेस्ट कैसे, इवन आप 10 दिन में, आप लोगों को अगर आप 10 डेज भी इसे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपका जो पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा या एक घबराहट जो होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। तो अगर आप लोगों के पास जो भी टाइम स्लॉट है, ठीक है, टाइम स्लॉट हो सकता है कि आपके पास में 2 घंटे हो या 4 घंटे हो, 6 घंटे हो सकते हैं या 8 घंटे का होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी 8 घंटे का टारगेट करके बताऊंगा, लेकिन इन केस आपके पास में 8 घंटे नहीं है तो आप इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि आप इसे 30-30 का भी करके चलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास में कम से कम 4 घंटे, 4 स्लॉट आप लोगों के पास में बन जाएंगे तैयारी के लिए, और फिर उन 4 स्लॉट में आप जो भी स्ट्रेटेजी होगी उसे आप यूज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो तैयारी होती है, जब भी तैयारी कर रहे हो, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज तक 4 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, और ये सभी 48 जो लेवल है, मींस लेवल 7 और 8 से ऊपर की जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ, यूकेपीएससी की, ठीक है। तो अगर आप लोग यूज करेंगे इसे तो इवन सेल्फ स्टडी से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्जाम को। तो सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हमें कैटेगराइज कर लेना है, ठीक है। और पहला जो है हमारे पास में वो आपका आ जाता है यूके की जो हिस्ट्री है और यूके की जियोग्राफी, ठीक है। दो सब्जेक्ट आप लोगों को ये पार्ट्स पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाता है आपका हिस्ट्री, जो बेसिक आप लोगों को करना ही है। हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें आपका एंशियंट आ जाता है, मिडिवल आ जाता है और मॉडर्न पीरियड आ जाता है। तो ये 3 पार्ट आप लोगों को हिस्ट्री के करने हैं। अब आ जाते हैं जियोग्राफी का। अब जियोग्राफी का जो लेटेस्ट एग्जाम है आप लोगों का RO ARO, उसमें आप लोगों को इंडियन जियोग्राफी करनी है। इंडियन जियोग्राफी आप कर रहे हो लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को वर्ल्ड का जो मैप है वो बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप बाकी चीजों को भी कोरिलेट कर पाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं आपके अदर पार्ट्स में, जैसे इकोनॉमिक्स आप लोगों का है इसमें, और हिंदी, हिंदी वाला पार्ट है। एक बात और इम्पोर्टेंट है कि कई बार जब मैंने पिछला भी वीडियो बनाया था कि 50 दिन में कैसे हमने क्वालिफाई किया एग्जाम, जो कि हिमानी मैडम के बारे में था, ठीक है, 50 डेज में कैसे हमने तैयारी की थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 50 डेज में ही हमने क्या किया है, पढ़ना शुरू किया होगा। उससे पहले का भी जो नॉलेज होता है वो कहीं ना कहीं काम आता है। बट ये जो 50 डेज की स्टोरी थी वो ये थी कि हमारे पास में एग्जैक्टली 50 डेज थे, और उसके पीछे भी 2 साल का, 2 ईयर्स का क्या हो चुका था, गैप हो चुका था तैयारी में। तो वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। आप लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे, जैसा कि कोई भी तैयारी कर रहा है, अगर ग्रेजुएशन किसी ने किया है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद भी अगर कोई आदमी तैयारी कर रहा है तो उसमें आप लोग ये मान के चलिए कि उसने ग्रेजुएशन तक तो कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। अब आप ये मानेंगे कि नहीं, मैं आज ही सारी बुक्स उठाऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नामुमकिन तो मैं तब भी नहीं कहूंगा, क्योंकि होने के लिए चीजें हो जाती हैं। क्योंकि मैंने, अगर मैं अपनी बात करूं कि हिस्ट्री का जो पार्ट है या जियोग्राफी जो है, वो लगभग 2 मंथ में मैंने बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कर ली थी, जियोग्राफी और हिस्ट्री। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग इन चीजों को कर सकते हैं। अब आ जाता है इसके बाद 6वां जो सेक्शन है, उसमें आ जाता है आपका मैथ सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन। इतनी चीजें अगर आप लोगों के पास में हैं, आप लोग इतनी चीजों के बारे में आपकी अच्छी पकड़ है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन श्योर हो जाता है। और दूसरी चीज ये भी है कि आपको इन सारी चीजों में पकड़ बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये अगर हम एक पेपर का कोई एक सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक, फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई एग्जाम है
और उसमें, और ये बारीक चीजें अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर तैयारी में उतना आपका एंथुसियाज्म आएगा नहीं, उतना जो एक एनर्जी जो अंदर से आती है कि मुझे तैयारी करनी है और मुझे 100% नहीं 200% अपना देना है, वो वाली बात अंदर से आती नहीं है जब तक कि हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करके अपनी तैयारी पे नहीं जाएंगे। जैसे कि आप मान सकते हैं कि आप युद्ध में जा रहे हैं और आपको अपने सारे हथियारों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो आप वहां पर वन बाय वन उन्हें यूज करेंगे और बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जा रहे हैं, आपको कितने ही बढ़िया आपके हथियार हैं लेकिन आप उन्हें यूज नहीं कर पाते हैं, तो आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज होती है कि आपका जो आपने स्टडी किया है उसे कितना सिस्टमेटिक तरीके से किया है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था अलमीरा का, कि आपके पास कपड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं, उन कपड़ों को अलमारी में बिल्कुल ठूस दे रहे हैं, बहुत मीन्स किसी भी क्रम में आपने रखे हुए हैं। तो आपको जब उन कपड़ों की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, आप उसे नहीं निकाल पाएंगे, उतने अच्छे से आप लोगों को नॉलेज नहीं होगा या ढूंढने में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आपके पास कपड़े हैं, आपने इसे फर्स्ट रैक में मंडे के रखे हुए हैं, यहाँ पे ट्यूसडे वेंसडे, इस तरह से आप लोगों ने अपना बिल्कुल एक शेड्यूल बनाया है, या आपको पता है कि फर्स्ट वाले अलमारी में जो है मेरा जो फर्स्ट कवर्ड है, ये इसका फर्स्ट ड्रॉवर है, उसमें मैंने क्या रखा है, अपनी पैंट्स रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी शर्ट्स रखी हुई है, यहाँ पे कोई और चीजें रखी है, तो क्या होगा, आपको जब जरूरत होगी तो आप उसे तुरंत निकाल लेंगे उस चीज को, ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो इसी तरह से एक हॉच पॉच में की हुई स्टडी और एक प्रॉपर टारगेटेड स्टडी जो है, ठीक है, उसका अलग ही फायदा मिलता है। आप एक झटके में चीजों को एनालाइज कर लेंगे, और क्योंकि हमारे पास जो 3 आवर्स होते हैं अंदर, वही डिफाइन उस वही तो हमें डिफाइन करेंगे कि वो जॉब हमें चाहिए मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं उस टाइम में, तो इसलिए सिस्टमेटिक स्टडी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाती है, जिससे कि हम धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा था कि सपोज कीजिए कि इतने सेक्टर हैं किसी पेपर के, मीन्स इतने सब्जेक्ट आपको स्टडी करने हैं, इसमें अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग 0 है, बिल्कुल 0 है, तो मुझे लगता है कि कंपटीशन से हम वैसे ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 100 मार्क्स में से अगर 10 नंबर भी क्या होंगे हमारे कंपटीशन में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, और मुझे वो 0 हूं मैं उस सब्जेक्ट में, तो होगा क्या कि मेरे लिए वो 90 मार्क्स का वो पेपर बन जाएगा। तो जब 100 मार्क्स में हम उस चीज को क्वालिफाई करने में, सभी के लिए बहुत मेहनत है, एक एक नंबर की मेहनत कर करके हम गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर होते हैं, तो अगर ये नहीं हो पाया और मैं 90 मार्क्स पे आ गया है मेरा जो पेपर है, क्योंकि मैंने 10 नंबर का कुछ तैयारी नहीं किया है, तो उससे क्या होगा कि मेरे बहुत चांसेस हैं कि मैं उस जॉब को नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, बाहर हो जाऊंगा कॉम्पिटिशन से। तो मुझे सबसे पहले तो टारगेट करना है कि अगर मेरे पास 60 डेज हैं तो मैं क्या करूंगा, इन चीजों को कैसे स्टडी करूंगा। अब मैंने एक एक बार आपको एक वीडियो भी बनाया है चैनल पे, अगर आप उसे देखेंगे, कि इवन आप एक दिन में एक पूरी बुक आप स्टडी कर सकते हैं, कोई सी भी बुक हो आपकी, अगर उसमें पेज आपके 300 से 400 समथिंग पेजेस हैं, तो आप इवन इस एक बुक को पूरा एक दिन में पूरा स्टडी करके पूरा तैयारी कर सकते हैं उसकी पूरे, अगर आपने उसमें कम से कम 12 14 घंटे स्टडी किया है, तो पूरे पूरी बुक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये कुछ लोगों को लगेगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे कि जिसमें मैंने ये बताया था कि आपको करना कैसे है, तो डेफिनेटली आप इसे कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको आज सिर्फ ये सारी बेसिक चीजें जिनके बारे में मैंने अभी बात की है, वो आपका माइंडसेट तैयार करने के लिए की है। अब बात आती है कि हम इसे करें कैसे, कि हमारी जो तैयारी है उसे हमें करना कैसे है। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले अपने 8 स्लॉट्स बना लेने हैं, ठीक है, आप क्या कर लीजिए, 8 आप लोगों को सेक्टर बना लेने हैं जहां आपको तैयारी करनी है। अब आपके पास एक आप इसे 1 घंटा मान के चल सकते हैं कि 1 आवर के आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इसमें 1 आवर को कैसे डिवाइड करेंगे, 1 आवर जो आपका होगा, 1 घंटा जो है उसे आपको डिवाइड कैसे करना है।
अगर आप इसे इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ तो काफी आपको दिक्कत आएगी। 1 घंटे को जब आप डिवाइड करेंगे तो उसे आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि 20 का आप बना सकते हैं और इसे 20, 30 और 10 का भी आप बना सकते हैं, अपने जो भी सेक्शन आपको लगे। अब 1 घंटे आपको सपोज कीजिए कि आपको नदियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है इंडिया का, तो आप क्या करेंगे कि 20 मिनट में पहले उसे बहुत स्पीड रीडिंग करेंगे, बहुत तेजी से पढ़िए उसे। मीन्स ये मत सोचिए कि मुझे क्या याद हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस एक पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल लेके उसको करना शुरू कर दीजिए, मीन्स मार्क करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है उसे बस आपको मार्क कर लेना है। नेक्स्ट 30 मिनट जो होंगे आपके, अब आपने जो फिल्टर किया है, जो मटेरियल आपने फिल्टर कर दिया है, उसे आप इस 30 मिनट में कम से कम उसके 3 रिवीजन करेंगे। आप 3 बार आपको क्या करना है, 10 10 मिनट में आपको जो आपने फिल्टर कर दिया 20 मिनट पढ़ के, आपने क्विक, अगर आप इसके दो क्विक पढ़ेंगे तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 10 मिनट में लगभग, आप मुझे ऐसा लगता है कि 20 पेजेस समथिंग आप गो थ्रू हो सकते हैं। अब ये भी आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने स्पीड रीडिंग की आदत बनाई है तो आपको पूरी लाइन पढ़नी नहीं पड़ती है, ठीक है। आप लोगों को टारगेटेड पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुक में घुस के पूरी लाइन अगर आप पढ़ेंगे कि भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है, तो अगर आपका आई स्पान जो है वो पूरी लाइन को एक एक करके, आप एक एक वर्ड करके पढ़ते हो, तो आप स्पीड रीडिंग नहीं कर पाओगे। आपको उस पार्ट को फिल्टर करके जल्दी से पढ़ना होता है। मीन्स अगर एक पैराग्राफ आपके पास में है तो पैराग्राफ में आप सिर्फ उसी पार्ट को पढ़ेंगे जहां आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसे अंडरलाइन करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर आप 20 मिनट में 20 पेजेस के 2 सेशन कर लेते हैं, ठीक है, 10 10 मिनट का सेशन में आपने स्पीड रीडिंग कर ली, उसके बाद जो 3 सेक्शन आपने बनाए हैं उसमें आपने जो फिल्टर इन्फॉर्मेशन ली है, जरूरी नहीं कि आपको जो आपने अंडरलाइन किया वो कहीं पर लिखना है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको तो बस उसे रिवीजन करना है, 3 बार आपको उसको क्विक रिवीजन करना है। ध्यान दीजिए कि हमारा जो ब्रेन होता है वो कैसे चीजों को याद करता है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपका रिपीट करना। अगर आप किसी चीज को रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, आप उसे रिपीट नहीं करेंगे तो आपका आपको याद नहीं होगी। और दूसरा, हमारा जो ब्रेन होता है वो चीजों को प्रोसेस करता है होल में। होल का मतलब, अगर आप ब्रेन को थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देंगे बहुत टाइम के बाद, ठीक है, आपको, चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप एक चीज पढ़ रहे हैं, आपने अगर उसको पूरी इंफॉर्मेशन को क्विकली पढ़ दिया तो आपका ब्रेन उस चीज को जल्दी याद रखेगा और लंबे टाइम तक याद रखेगा, बजाय कि आप उसे पीसेज में तोड़ तोड़ के पढ़ें। तो हम क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, उसकी वजह से जो ब्रेन है वो चीजों को प्रोसेस नहीं करता है ठीक से और वो हमें चीजें याद नहीं होती है। तो ध्यान दीजिए कि जब हम स्पीड से क्विक सेशन करते हैं तो काफी सारी चीजें तो हमें अंडरलाइन करते हुए ही हमें चीजें समझ में आ जाती है। फिर 10 के आपने क्या किया कि एक व्हाइट पेज ले लिया, अपना एक कॉपी ले ली और उसमें फटाफट जो आपने यहाँ पढ़ा था उसका आपने क्विक फर्स्ट टाइम आपने उसे लिखा, नोट डाउन किया, और सेकंड टाइम उसका क्विक आपने फिर जितना आपको लर्न है उसको लिखने की कोशिश की, जितना याद नहीं है उसको फिर से एक बार देखा और फिर तीसरी बार किया। अब यहाँ पे फाइनल फाइनल आपका टेस्ट पीरियड आता है कि आपने क्या करना है कि जो आपने इतना पढ़ा है उसमें से आपको 20 कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। 20 कीवर्ड्स आप लाइन से लिख लेंगे, एक पेज में लाइन से आपको 20 कीवर्ड्स लिख लेने हैं। अब वो जो 20 कीवर्ड्स होंगे उन कीवर्ड्स की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो ये आपका 1 घंटे का मैंने बताया है ना, तो ये इतना सिस्टमेटिक है, अगर आप इसे ध्यान इसे कर पाए, अगर आप अपने एक डिसिप्लिन रख पाए, इसके बीच में आपने फोन नहीं उठाया, कहीं कुछ और नहीं किया, सोशल मीडिया में नहीं घुसे या किसी से आपने बात नहीं की, तो अगर 1 घंटा आप इसे क्विक कर पाए तो
तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये टॉपिक आपका लाइफ टाइम के लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है कि इसको 30 डेज तक अगर आप चला पाए, इसको 30 डेज तक मान के चलिए, ठीक है, 30 डेज तक आपने जियोग्राफी के या हिस्ट्री के या उत्तराखंड के 30 टॉपिक आपने इसी तरह से 30 डेज के लिए चलाए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो जो 30 डेज के बाद आपका नॉलेज होगा ना उस फील्ड में, चाहे आपने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर 30 डेज के बाद आप इस मेथड से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। अब मैंने आप लोगों को बताया कि आपको क्या करने थे, 8 स्लॉट्स बनाने, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 1 घंटे का टाइम है वो आपने कैसे स्पेंड करना है, कैसे उसको समझना है। तो ये 4 स्लॉट हमने बनाए, 4 4 के 2 स्लॉट बनाए, एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इसमें एक चीज और है, इस तरह से पढ़ने का एक फायदा और होता है कि जो जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस होता है ना वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो हम पूरी तरह से इंग्रॉस्ड रहते हैं हमारी तैयारी में, हमारे पास ज्यादा स्ट्रेस लेने का ही टाइम नहीं बचता है, और दूसरी चीज हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा होता है ना वो हमें बूस्ट दे रहा होता है आगे के लिए। तो ये जब आप पहले दिन फर्स्ट डे स्टडी कर रहे होंगे तो फर्स्ट डे आपको ये थोड़ा सा हैक्टिक लग सकता है, लेकिन जब आपके 15 डेज आप इस तरह से पढ़ेंगे तो 15 डेज के बाद आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। मीन्स जहां आप 1 घंटे में एक टॉपिक कर रहे होंगे वहां पे आप 1 घंटे में 3 या 4 टॉपिक भी निपटा रहे होंगे। इस चीज को आपको आप बिलीव करें ना करें, लेकिन अगर आप इसे करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर आप जैसे कि किसी ने मुझे पूछा कि वीडियो के नीचे कमेंट किया था, एक मेरी मार्शल आर्ट की वीडियो थी, कि अगर हम 30 पुशअप्स डेली करते हैं तो उससे क्या होगा, तो मैंने कहा भैया सीधी सी बात है, करके देख लो, अगर आप करेंगे नहीं, मुझे पूछते रहेंगे क्या होगा क्या होगा, तो मैं बोलूंगा चेंजेस आएंगे, लेकिन आप 30 पुशअप्स करके तो देखिए 30 डेज के लिए, आपको खुद चेंजेस पता चल जाएंगे और आपको आप इंजॉय भी करेंगे उस चेंज को, ठीक है। तो आपको यहां पर देखिए 1 2 3 4, अब ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपको 6 सब्जेक्ट्स तक तो क्या करना है, स्टडी करना है 6 सब्जेक्ट्स, ध्यान दीजिए, सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने हैं। इसके बाद हो सकता है कि आपके 1 या 2 सब्जेक्ट आपके छूट जाएं, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट आपके छूट गए हैं, तो आप यहां से क्या करेंगे, ये जो दो मैंने 2 घंटे आपको बताए हैं, 2 घंटे ये आप रिवीजन सेशन के लिए रखेंगे 30 30 मिनट के, इसको आप 30 30 मिनट का रिवीजन सेशन रखेंगे। अब जो भी आपने यहाँ स्टडी किया है, सपोज कीजिए आपका फर्स्ट वाला जो था वो स्टडी किया, तो उसे आप शाम को 2 घंटे का जो आपका रिवीजन सेशन होगा उसमें आप इस 30 मिनट में उसको रिवीजन भी करेंगे। फर्स्ट जो आपने स्टडी किया उसे यहाँ 30 में आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। फिर आपका ये है, आप इसे क्या करेंगे, 30 डेज 30 मिनट का रिवीजन करेंगे एंड देन 30 मिनट। इवन अगर आप धीरे धीरे जब आपके 15 दिन हो जाएंगे तो 15 दिन के बाद आपके जो ये 30 के सेक्शन है उन्हें आप 20 20 करके अपना जो स्लॉट्स हैं उन्हें बढ़ा सकते हैं रिवीजन के लिए। 20 मिनट में आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका आपके जो ये सब्जेक्ट्स हैं ये फिनिश हो जाएंगे, जैसे आपने 60 डेज पढ़ लिया, 60 डेज में आपका इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों का पूरा आपने गो थ्रू कर लिया है, तो अब आपको ये पूरा 1 घंटा नहीं चाहिए, यहाँ पर आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, जो दूसरा आपका सब्जेक्ट है उसे नेक्स्ट 30 डेज आप रख सकते हैं और इसको आप नीचे ला सकते हैं, और इसे आप 20 डेज 20 मिनट का जो आपका शेड्यूल है रिवीजन का उसमें आप सिर्फ रिवीजन सेशन में डाल सकते हैं। सो इस तरह से क्या होता है कि हमारा हमारी जो तैयारी है वो बहुत परफेक्शन से चलती है। तो जब हमने 50 डेज अपने कंप्लीट किए थे तो 50 डेज के बाद इवन हमें जो टॉपिक्स थे वो टॉपिक्स के लगभग आपके ये था कि बुक में हमें पेजेस के साथ में भी कोरिलेशन हो गया था, ठीक है। अब जो भी आप तैयारी करेंगे उसमें 3 4 टेक्निक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आपको रखनी है उसमें, ठीक है। जैसे कि एक आप फ्लैश कार्ड, फर्स्ट जो है सबसे बेस्ट टेक्निक है आपकी वो है आप लोगों का फ्लैश कार्ड्स। अगर आप डेली फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं तो आप लोगों के पास 60 डेज में लगभग 5,000 से भी ऊपर आप फ्लैश कार्ड तैयार कर सकते हैं,
और ये आपके लिए बहुत ही फीडबैक देने का काम करते हैं। फ्लैश कार्ड्स अगर आप लोगों को नहीं पता, आप इससे पहले नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, पेजेस के कार्ड्स बना लेने हैं। एक साइड आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, क्वेश्चन लिखना है, दूसरी साइड उसका आंसर लिख लेना है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि जैसे तकला मकान है, कि तकला मकान आपका कहाँ मिलता कहाँ है, तो आप सीधे पीछे लिख सकते हैं चाइना में। ठीक है, ये कहाँ है आपका, चाइना में। तो इस तरह के फ्लैश कार्ड्स आप डेली बनाएंगे। आपका जो 1 घंटे का टाइम मैंने बताया था, 1 घंटे की तैयारी, उसके बाद आप अगर 5 मिनट भी लेते हैं, या सीधे सीधे जो स्टडी जब आप कर रहे होते हैं, आप पहले से अगर फ्लैश कार्ड आपने रखे हुए आपके हाथ में है, तो आप नोट डाउन भी करते हुए चलते हैं, तो आप लोग 20 फ्लैश कार्ड्स इजीली बना सकते हैं और लास्ट में इसको रिविजन कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है मैप। अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री, इवन हिस्ट्री आप मैप से पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी तो पढ़ ही सकते हैं, हिस्ट्री भी आप पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी है पूरा, आप उत्तराखंड का ज्योग्राफी क्या कर लीजिए, मैप से स्टडी कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी तो कर ही सकते हैं। अब तीसरी जो टेक्निक्स है वो है आपकी ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो आप कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ यूजुअली आप पढ़ नहीं रहे होते हैं। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, तो ये टाइम है आपका लगभग 1 घंटा इसमें कंज्यूम होता है आपका। तो 1 घंटा हमने क्या किया था, कि जो लंच डिनर और ब्रेकफास्ट का टाइम होता था, उसमें हमने करंट अफेयर के लिए वीडियोस डाउनलोड कर ली थी, जिसमें कि 500 MCQs हमने रखे थे। तो 500 MCQs आप क्या करेंगे, तीनों में आप करेंगे तो 500 MCQs आपके लगभग 3 डेज में कंप्लीट हो जा रहे थे। तो 3 डेज में कंप्लीट हो जा रहे थे, तो ये मान के चलिए कि जो एमसीक्यूज हैं आपके करंट अफेयर, वो कितने हो गए आपके, बहुत सारे हो जाएंगे आपके 3 डेज में। 30 डेज में अगर आप जाते हैं इसमें, तो ये आपके एटलीस्ट 4,000 समथिंग आपके क्या हो जाएंगे, एमसीक्यूज करंट अफेयर के हो जाएंगे, और इससे आपका करंट अफेयर काफी स्ट्रांग हो जाता है। इसके अलावा चौथा जो है, उसे हम बोलते हैं कोरिलेट करना। चीजों को कोरिलेट कर लीजिए। अभी मैंने आप लोगों को उत्तराखंड वाला पढ़ाया था, उसमें मैंने कोरिलेट किया था, कि मैंने कहा था कि जो कौशिक समिति थी वो क्या थी, 93। तो 93 की क्या है, एज है कौशिक की, क्योंकि मेरा नाम कौशिक है, मैंने इसलिए कर लिया। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से काफी सारी चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं अपने आसपास के। जैसे कि आपको बुक्स के राइटर्स करने हैं, ठीक है, कि कौन सी बुक्स किसने लिखी है गढ़वाल में या उत्तराखंड में, तो बुक्स वो जितने नाम होंगे ना, वो आपके आसपास, आपके रिश्तेदार, आपके गांव, आपके शहर, आपके जान पहचान में वो नाम मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, जैसे कोई गैरोला होंगे, कोई कुछ होंगे, कोई कुछ होंगे, तो वो आपको क्या होगा, वो कोरिलेट, अगर आप उन्हें नाम से कोरिलेट कर लेंगे ना, कि मेरा ये दोस्त है, सिर्फ इतना एक बार बस सोच लेंगे कि मेरा ये दोस्त है, तो आप लोगों को वो हमेशा के लिए याद रहेगा कि अच्छा, मेरे इस दोस्त ने ये वाली बुक लिखी है। सो होपफुली कि ये पूरा जो एनालिसिस मैंने आप लोगों को बताया तैयारी का, वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग इसे यूज कर पाएंगे, और आप लोगों को इसमें सक्सेस जरूर मिले, ऐसी मेरी आशा है। और आप लोग प्रैक्टिस जो है वो बहुत सिस्टमेटिक तैयारी कीजिए अपनी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।